तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सर मिल गया। ये देखिए, ये टैटू का डिजाइन इस दुकान के सोशल मीडिया के अकाउंट पे है। गुड। और तो और सर, ये दुकान का एड्रेस भी लिखा हुआ है इस पेज पर। देखिए सर, टैटू किंग एंड क्वीन। पाटिल, इसका एड्रेस नोट करो। यस सर। चलो, इंटरनेट से ये तो पता चल गया कि टैटू बनाने वाला कौन है। अब तक का जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया है, आगे का फुटेज दिखाओ। पता तो चले कि कौन नकली पुलिस वाले हैं जो मुझ जैसे असली पुलिस वाले को इनसिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा फास्ट चला। होल्ड ऑन। इन लोगों ने भी डिलीवरी बॉय की तरह अपना चेहरा छुपाने के लिए हेलमेट पहन रखा है। सर सेम गैंग है तो तरीका भी सेम ही होगा ना। पाटिल, ये दोनों पुलिस वाले मुझे लगता है मेरे जीवन में कहीं मुझसे टकराए। खासकर ये इंस्पेक्टर। सर हेलमेट पहना हुआ है, चेहरा भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, कैसे पहचानेगा कोई। हाँ सही कह रहे हो, पता नहीं जीवन में मुझसे ये कहाँ टकराए हैं, लेकिन बिना हेलमेट और चश्मे के टकराए हैं। इंस्पेक्टर पर जूम करो। इसके कलाई पे जूम करो। कलाई में रुद्राक्ष की माला और उंगली में अंगूठी, ये तो जेठालाल के हाथ में ही हो सकते हैं। बाकी बॉडी किसी और इंस्पेक्टर की हो सकती है, लेकिन ये हार्ट मुझे जेठालाल के लग रहे हैं। पाटिल, अरे दूसरा साइंटिस्ट जो है उसको आप बोलते हैं सोसाइटी में यार। कौन सर? अरे वो जो बबीता बहन जी के हस्बैंड है, क्या नाम है उसका? हाँ याद है सर, अय्यर, अय्यर, मिस्टर अय्यर। हाँ अय्यर, अय्यर। लेकिन सर जेठालाल और अय्यर ऐसा क्यों करेंगे? इतनी हिम्मत नहीं है उनमें। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ पाटिल, इन लोगों में इतनी हिम्मत आई कैसे? नहीं ना सर, ये लोग गोकुलधाम वाले है ही नहीं। अशोक को दूर करना पुलिस डिपार्टमेंट का काम है पाटिल। नहीं नहीं सर, मैं नहीं मानता कि ये लोग ओटीपी स्कैम करने वाले गैंग में शामिल हुए होंगे। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि स्कैम में गोकुलधाम वाले शामिल होंगे। तो फिर माधवी बहन ने उन लोगों को बता दिया होगा कि मैं बंदोबस्त में बिजी हूँ। इस मौके का फायदा उठाने के लिए वो लोग केस सॉल्व करने निकल गए होंगे। नहीं सर, केस सॉल्व करने के लिए वो लोग इस हद तक नहीं जाएंगे। गोकुलधाम वाले केस सॉल्व करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लगता है तुम गोकुलधाम के इतिहास को भूल गए हो पाटिल। हर केस में हम मेहनत करते हैं और लड्डू कौन खाता है? गोकुलधाम वाले। तो फिर ठीक है सर, मैं एक काम करता हूँ, जेठालाल को अभी के अभी फोन करके मैं यहाँ बुला लेता हूँ। तुम जेठालाल को नहीं बुलाओगे? तो ठीक है सर, आप बुला लीजिए। अरे मैं भी नहीं बुलाऊंगा। तो फिर हम जेठालाल के दुकान पर जाएंगे। क्या जेठालाल अभी दुकान पे होगा? अरे वो धंधे वाला आदमी है जेठालाल, घर में लेटेगा नहीं, रोकड़ी करने के लिए दुकान पर होगा। अगर अपनी दुकान पर जेठालाल नहीं मिला तो समझ जाओ कि वो नकली पुलिस वाला वही है, और जरूर उनके साथ गोकुलधाम की पुरुष मंडली भी शामिल होगी। चलो जेठालाल की दुकान में। और सर टैटू वाले के पास? वहां भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले जेठालाल की दुकान में जाएंगे।
वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। Come on, let's move. सब थोड़ा सा तीखा चटनी डालिए ना। मैं पूरी डाल दी। मैं दाल डालो। अरे मेहता साहब, हाथी भाई, गोली, इधर आइए ना आप लोग, इधर आइए। देखिए टाइम हो गया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकता है। हम लोग अलग अलग जगह फैल जाते हैं और उस पर नजर रखते हैं। टप्पू, सोनू, गोगी और पिंकू, आप लोग इस तरफ जाओ, मैं और सोडी इस तरफ जाते हैं और आप लोग हम लोग यहीं से नजर रखे। ठीक है, यहीं से नजर रखो। चल आजा सोडी। देवा मदद करा, अब बस वो डिलीवरी बॉय पकड़ा जाए और हमें हमारे पैसे मिल जाए। प्लीज प्लीज प्लीज। चलो हो गई आज की डिलीवरी, अब उस किंग एंड क्वीन टैटू की दुकान पे जाके मस्त टैटू बनवाता हूँ मेरी प्यारी मधु, और फिर जाके माधु को सरप्राइज दूंगा। ये उसके लिए बेस्ट सरप्राइज होगी, ये सरप्राइज वो जिंदगी भर याद रखेगी। यस। पाटिल, मैं अभी माधवी बहन की आंखों में आंसू भूल नहीं पा रहा, सोचता हूं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं किसी भी तरह उस स्कैमर को पकड़ना होगा, बस एक बार वो नकली पुलिस वाले जेठालाल या साइंटिस्ट हैं इसका पता चल जाए। जरा जल्दी करना भाई।